असल में मेरा ये वीडियो बनाने का सबसे जो ज़्यादा और पहला मकसद है, इस ट्रक पे जो लड़के चढ़े हैं, मेरा असल मकसद यही है, इनको दिखाना है। अभी आप लोग देखें, ये लड़के स्कूल से जब वापस जाते हैं, इनके लिए कोई सहूलियात नहीं है, और ये लोग अपनी मदद, आप कोई ट्रक पे चढ़ता है, कोई किसी की भी प्राइवेट गाड़ी पे चढ़ता है, क्योंकि टैक्सी गाड़ी में ये लोग किराया नहीं दे सकते हैं। छोटे लड़के हैं, रोज़ाना आते हैं, गाड़ी होती भी नहीं है। अब देखें, ये आलम है, और इसी तरह ये लड़के अपना बचपन इसी तरह ख्वार हो के ट्रकों पे चढ़ चढ़ के आके स्कूल पढ़ के वापस जाते हैं और गुजारते हैं। और बाकी जो ट्रक पे चढ़ गया, उसकी किस्मत से, जो न चढ़ सका, वो देखो पैदल आ रहे हैं, साथ साथ गाड़ी देख रहे हैं कि कोई ट्रक उनके सामने आए और उनके लिए मौका मिले। तो ये बात है, आज तक इतना ही। और ये बहुत ज़्यादा मसरूफ़ तरीन बाजार है दासू कोस्तान के मुकाम भी, क्योंकि यहाँ दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है 4320 मेगावाट, उस वजह से जहाँ इस जगह पर ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा आना जाना होता है। इसके 74 किलोमीटर अप स्ट्रीम पे ग्यारहवा डैम बन रहा है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा रश होती है, और रश आप लोग खुद देख सकते हैं, सड़क भी तंग है और साथ साथ कुछ भी होती है। तो इसलिए आप लोगों को मैंने कहा थोड़ा सा ये लड़कों को भी दिखाऊं जो स्कूल से वापस आते हैं, और आप लोगों को ये भी दिखाऊं कि कितना रश होता है बड़ी गाड़ियों की, छोटी गाड़ियों की, क्योंकि प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। यहाँ जो वीडियोज़ में नज़र आते हैं, उनमें दो तीन गाड़ियाँ प्रोजेक्ट की हैं, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं कि देखो इस रश में ये पीछे वीगो, उसके पीछे कार, पीछे आगे गाड़ी है 4x4, इससे आगे ये वीगो है, ये सारे प्रोजेक्ट की गाड़ियां हैं जो दासो डैम पे काम कर रही है। और सबसे अच्छी खबर मैं आप लोगों को दे दूं कि वापडा वालों ने स्कूल के बच्चों के लिए वैन का इंतज़ाम किया है, बसेस और कोस्टर्स का इंतज़ाम किया है मुख्तलिफ़ इलाकों के लिए, तो पहले भी किया है कई सालों से, और अभी जो जहां लड़के रह जाते थे, जहां के लिए गाड़ी नहीं थी, उनके लिए भी इंतज़ाम हो चुका है। तो ये वापडा वालों का एक बहुत अच्छा इकदाम है, शुक्रिया।